हाँ जी, मास परसेंटेजेस, मास ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सल्यूशन, है ना। अब एक चीज देखो, ये 100 ग्राम ऑफ सल्यूशन ये फिक्स है ना, ये डेफिनेशन में फिक्स है। जितना भी आपका मास परसेंटेज होगा दैट इज ऑलवेज इन 100 ग्राम्स ऑफ सल्यूशन, है ना। अब इधर आओ, एक फॉर्मूला जो बहुत जगह काम आएगा, मास ऑफ सोल्यूशन निकालना है बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। दो चीजों को ऐड करेंगे, सोल्यूट और सॉल्वेंट को, तो अपने आप सिस्टम मास आ जाएगा सोल्यूशन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, तो यही अगर तुम नोटिस करो बच्चे, तो जब भी आपको मास परसेंटेज गिवन है, आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकल आएगा बच्चे बताओ, यूजिंग द अबव फॉर्मूला, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। एंड अब जब भी मास परसेंटेज लोगे, मेरा मास ऑफ सॉल्यूशन हमेशा ही कितना होगा, 100 ग्राम माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, ये आ जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और अगर इसको फॉर्मूला वाइज लिखो, तो जैसे देखो, जैसे ये डेफिनेशन बताई हमने बच्चे, ये किसकी थी, एम बाई एम परसेंट, मतलब ऊपर भी मास नीचे भी मास, पर ध्यान रहे ऊपर सॉल्यूट है नीचे सॉल्यूशन है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ऐसे देखो, एम बाय वी परसेंटेज होता है, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में, देखो एम बाय वी है, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, ऐसे ही इफ इट इज वी बाय वी परसेंटेज, ये क्या आ जाएगा बच्चे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये तीन मेरे पास मान लो मास परसेंटेज की कैटेगरी के तीन टाइप ऑफ परसेंटेजेस है, एम बाई एम, एम बाई वी, और एक हो गया वी बाई वी, है ना। आ जाओ, इनकी इंटर कन्वर्जन या जो भी है वो नेक्स्ट सेशन में कराऊंगी। अभी वैसे बस मुझे एक चीज बताओ, हाउ इज माई मास एंड वॉल्यूम रिलेटेड, बोलो बच्चे, मास एंड वॉल्यूम कैसे रिलेटेड होता है, वाया विच टर्म। डेंसिटी हाँ, क्या होता है लव्या, डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चे। हाँ, मास अपॉन वॉल्यूम। दिस इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर आपके पास डेंसिटी है और या मास वॉल्यूम में से एक है, तो आप दूसरा भी कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। दिस थिंग इज ऑल्सो यूज इन दी सोल्यूशन। ठीक है, ये बताओ, ये क्लियर है तीनों, एम बाई एम, एम बाई वी और वी बाई वी, यस मैम, है ना। यस आ जाओ मैम। आ जाओ, अगर ये एग्जाम्पल देखो, इफ आई गिव यू लेट्स से 20% NaOH सॉल्यूशन, बताओ मुझे इतने इंफॉर्मेशन से क्या क्या निकाल सकते हो। अभी आपने लिखा है मास परसेंटेज की डेफिनेशन, क्या मतलब हुआ 20% NaOH का, 100 ग्राम का सॉल्यूशन है एनिमल लिख हाँ दिस इज के, 20 ग्राम्स ऑफ NaOH इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, और कहना है इसे 80 ग्राम्स ऑफ वाटर, बोलो बच्चे, है यस मैम। ना। तो मतलब इतने में मेरे को क्या क्या इन्फो मिल गया, मेरे पास है मास या वेट ऑफ सॉल्यूट, मेरे पास है मास ऑफ सॉल्वेंट, और मेरे पास है मास ऑफ सोल्यूशन। बोलो बच्चे, ये तीन चीज क्लियर है। हाँ, यस मैम। एक मिनट, ये मैसेज डाल दूं, अभी 50 हुए हैं ना, तो मान लो 6:30 तक ही स्टार्ट होगा ना, बट ज्वाइन 6:30।
है, आ जाओ बच्चे। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वांटिटी था मेरे पास सीपीएम, इसका मतलब हो गया पार्ट्स पर मिलियन। अब मिलियन कितना होता है, इट इज 10 की पावर 6, है ना। ऊपर मास परसेंटेज था, मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है बच्चे, इसका मतलब होता है पर 100। देखो तो पर 100 करते हो तो आप 100 से क्या करते हो, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे पर मिलियन है तो हम क्या करेंगे, दिस इज बेसिकली मास ऑफ सोल्यूट इन 10 की पावर 6 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। ये तो डेफिनेशन वाइज हो गया, ठीक है। एंड इसको फॉर्मूला निकालने का क्या हो गया, दिस इज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 की पावर 6। ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका क्या कैलकुलेट करने के लिए, सीपीएम। बोलो बच्चे, समझ आया इतना? नहीं। ठीक है, आओ करो एक सिंपल सा क्वेश्चन। अभी सिंपल सिंपल डायरेक्ट डायरेक्ट देंगे, इंटर कन्वर्जन एक्सेशन मिलेंगे, ठीक है। जैसे लेक लेट्स टेक, आई हैव 10 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6, प्रेजेंट इन 75 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो पहला कैलकुलेट द M/m परसेंटेज एंड कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ सीपीएम। करो ट्राई करो, क्वेश्चन में देखो क्या क्या गिवन है। ठीक है बच्चे, डेटा नोट कर लो। व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन, मास निकालने के लिए दे देते हैं। कार्बन इज 12, हाइड्रोजन इज 1, ऑक्सीजन इज 16। पीछे वाली स्लाइड्स देखनी है तो ये लो, ये ला मास परसेंटेज के लिए। हो गया बच्चे, बताओ ये रहा पीपीएम के लिए। हाँ हाँ, फर्स्ट का 13.33 आ रहा है। सीपीएम मास का, मास परसेंटेज। अच्छा हाँ, वो निकाल लेते हैं, आ जाओ। ये देखो, आ जाओ, फर्स्ट निकाल लेते हैं। क्या है मास ऑफ सोल्यूट, कितना है 10। मास ऑफ सोल्यूशन कितना आएगा बच्चे, बताओ क्या करेंगे। 85 10+75 है ना, क्यों करा हमने 10+75? सॉल्यूशन का मास। सोल्यूशन का मास निकालने के लिए, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट, ऐसे सेकंड हो जाएगा आपका 10 अपॉन में वही 85, बस यहाँ पे ये हो जाएगा इंटू 10 की पावर 6। ये परसेंटेज में आ जाएगा एंड ये सीपीएम में, ठीक है। अच्छा एक बच्चे, यहीं से तुम्हें एक चीज और कंपेयर करा देते हैं, ठहरो एक सेकंड दो, मैं वैल्यू लिख ही देती हूँ। दिस इज 10/85। अच्छा ये तो पहला वाला तो आ रहा है 11.76, चेक यस करो, है मैम, ना। और ये आ रहा है तो ये हो जाएगा 11.76 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ,
तुमने ये जो दोनों कॉन्सेंट्रेशन निकाली, क्या ये सेम सोल्यूशन के लिए नहीं है ये दोनों? देखो यस मैम। है ना, तो अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट इज 11.76, इन टर्म्स ऑफ पीपीएम उसमें आगे 10 की पावर 4 भी आ गया। तो बच्चे अगर मैं तुमको बोलूं कि मास परसेंट में और पीपीएम में कंपेयर करो विच वन इज अ लार्जर यूनिट, कौन सा ज्यादा बड़ा यूनिट है बताओ? मास मास परसेंटेज, परसेंटेज यस, मास परसेंटेज बहुत ज्यादा बड़ा यूनिट है। तो ये जो पीपीएम है ये हम यूज ही किसके लिए करते हैं? वेरी स्मॉल वन। मतलब ये तो नॉर्मल हम कुछ निकाले तो ये 10 की पावर 4 ppm में पहुंच गया। ये क्वांटिटी ही जब तब यूज करते हैं जब क्वांटिटीज ही बहुत कम होती है। आए बच्चे समझ? चलें आगे। ठीक ओके आ जाओ, चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हम क्या कैलकुलेट करते हैं, मोल फ्रैक्शन। है ना, देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, बेसिकली आपने फ्रैक्शन निकालना है किसका, मोल्स का। आ जाओ, नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, गिवन वेट अपॉन में मोलर मास, है ना, सीधा तरीका ये है। अब आ जाओ, मेरा सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स कौन से हो गए? एक हो गया सोल्यूट, एक हो गया सॉल्वेंट, है ना। आ जाओ, अब देखो, अब मुझे अगर निकालना है काई, जिस काई लिखते ची हैं बोलते काई हैं, जो सिंबल है ये सिंबल किसका होता है, मोल फ्रैक्शन का। तो मान लो मुझे काई निकालना है किसका, सल्यूट का। अब मुझे एक बात बताओ बच्चे, फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? बचपन में पढ़े थे ना मैथ्स में, फ्रैक्शन कैसे करते हो, गिवन अपॉन टोटल टाइप, राइट? तो यहाँ गिवन अपॉन टोटल किसने करना है, ये देखो किसका फ्रैक्शन लेना है हमको, ध्यान से क्या मार्क करा मैंने ओके बताओ, मोल का। मास का फ्रैक्शन मत ले लेना, मोल का लेना है। आ जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, जिसका मोल फ्रैक्शन लेना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखो, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टोटल। तो टोटल की जगह आप क्या लिख सकते हो, इट इज सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। बोलो बच्चा ये समझ आया? यस मैम। लव्या समझ आया तुमको? हाँ, मैम एक बार बता दो। ये देखो इधर आओ। अच्छा ये देखो, ऐसे बताओ, मैंने ये सर्कल लिया, मानो ऐसे पढ़े थे ना बचपन में, बताओ ये वाला फ्रैक्शन कितना है, कितना है बताओ, टोटल 1/4 है ना, ये क्या हो गया, गिवन अपॉन टोटल। अब यहाँ देखो, यही जो गिवन अपॉन टोटल है सॉल्यूशंस के लिए, हम इसको क्या बोलते हैं, काई, काई या उसका मोल फ्रैक्शन, है ना, जिसका मोल फ्रैक्शन लेना है। जैसे देखो किसको मार्क करा है मैंने, काई किसका निकालना है, देखो सॉल्यूट का। स्क्रीन दिख रहा है बेटा क्लियरली, लैग तो नहीं हो रहा? नहीं हाँ, काई ऑफ सॉल्यूट है, तो जिसके भी निकालने होते हैं मोल फ्रैक्शन उसके नंबर ऑफ मोल्स रखो ऊपर, टोटल नंबर ऑफ मोल्स रखो नीचे। बोलो आया समझ? है ना, अच्छा टोटल की जगह आप क्या लिख सकते हो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब तुम ही मुझे बताओ, अब मुझे काई अगर निकालना हो सॉल्वेंट का, क्या बन जाएगा बच्चे? हाँ नंबर हाँ नंबर अपॉन में टोटल, मतलब ऑफ इसमें क्या आ मोल्स गया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना। अब एक काम करो, तो थोड़ा मैथ्स वाला दिमाग चलाओ, काई ऑफ सॉल्यूट प्लस काई ऑफ सॉल्वेंट ये निकालना जरा, दोनों ये जो फ्रैक्शंस हैं तुम्हारे पास इनको ऐड कर दो, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा। यस वन मैम। वन क्या बचे, आंसर आंसर वन
मैं दोबारा बोलो तो समझ नहीं आया मुझे क्लियरली। मैम पे जब पानी वगैरह और नाम के सेम होंगे तो वन कट के वन हो जाएगा। हाँ कट के वन आ जाएगा ना, तो हमारा क्या होता है, एक हम यस फॉर्मूला क्या बना लेते हैं अपना, अगर एक का ही निकाल लिया दूसरे के लिए क्या कर दो, उसको वन में से सब्ट्रैक्ट। बोलो बच्चे, है मैम, यस मैम। ना। अच्छा तो एक दो तीन छोटी मोटी चीजें बता देते हैं। ये देखो पहला, इधर एक तो समेशन ऑफ एनी काय, जब भी काय का सम करोगे बच्चा टोटल हमेशा कितना आएगा, बोलो क्या लिखा हमने, वन वन, है ना। दूसरी चीज क्या हो गई, मेरा इंडिविजुअल का ही है, मतलब अकेला अकेला देखो तो दैट इज ऑलवेज लेस देन वन, है ना। जब समी वन के बराबर आ रहा है तो इंडिविजुअल वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, काई से आई मीन वन से क्या रहेगा बच्चे, छोटा रहेगा, है ना। और तीसरा यस चीज देखो, अगर कहीं पे काई तुम्हारा वन आ भी जाता है तो वो मिक्सचर नहीं होगा, वो कैसा कंपोनेंट होगा, प्योर प्योर सोल्यूट होगा या प्योर सॉल्वेंट होगा, इट इज नॉट अ सोल्यूशन। ठीक है, आया बच्चे समझ, बोलो। यस मैम। लवे आ गया तुमको, यस मैम। चले आगे। ठीक है आ जाओ, यही देखो, मानो आई टेक अ क्वेश्चन, आई हैव 3 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज इन 90 ग्राम्स ऑफ वाटर, है ना। मेरे पास इतना इन्फो है और मुझे निकालना है काय ऑफ ग्लूकोज। आ जाओ, जिसका काय निकालना है ऊपर ले लो उसके नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। कैसे निकालते हैं बच्चे नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास अपॉन मोलर गिवेन वेट, वेट अपॉन मोल। वेट अपॉन मोलर मास, ये हो जाएगा ग्लूकोज का एंड डब्ल्यू किसका आ जाएगा, वाटर का। आ जाओ, कितना वेट गिवन है हमको, ग्लूकोज का 3 ग्राम। अच्छा ग्लूकोज यहाँ लिख देती हूँ, ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180 एंड वाटर का मोलर मास इज 18, तो ये हो जाएगा 3/180 अपॉन 3/180 प्लस 90/18। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 3/903। देखो 180 180 काट सकते हो डिनोमिनेटर में से, एलसीएम टाइप्स लेके, है ना बच्चे। अगर ये काई ऑफ ग्लूकोज आ गया तो मेरा काई ऑफ वाटर कितना आया बताओ, वन मिस माइनस 1 में से माइनस कर दो, दिस इज 1 - 3/903, इट कम्स आउट टू बी 900/903। ठीक बोलो बच्चा, आया समझ इतना, मान्या, दव्या, मैम। ठीक यस मैम। है आ जाओ। अब नेक्स्ट टर्म उठाते हैं, ये मैं ऐसे कराती हूँ तो कंपैरिजन के टर्म्स में तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। एक होता है बच्चे मोलालिटी, है ना, एक होता है मोलारिटी। आ गया, मोलालिटी इज गिवन बाय अ स्मॉल एम, मोलारिटी इज गिवन बाय अ कैपिटल एम। ठीक है, क्या बोलते हैं, बाइफरकेट कर लेते हैं। आ जाओ,
मोलालिटी का जो डेफिनेशन होता है बच्चे वो क्या बोलता है, दिस इज दी मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, और 1 kg की जगह और भी क्या लिख सकते हो, 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। मोलारिटी का डेफिनेशन इज इट इज मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको दिमाग में बैठाओ, इसको क्लियर करो। दिस इज 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, है ना। क्या दिमाग में बैठाना है, ये कि ये जो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है, ये आपके पास क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलालिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट लिया जाता है, जबकि मोलारिटी में क्या लिया जाता है, वॉल्यूम ऑफ, बच्चे क्या लिया हमने, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दोनों में कॉमन है, मतलब कि दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब इसको यूज कैसे करेंगे, ये देखो। मानो लेट्स टेक आई हैव 2 मोलल NaOH सॉल्यूशन, है ना, 2 small m। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज 2 moles ऑफ NaOH इन 1000 ग्राम्स वन ऑफ, केजी ऑफ सॉल्वेंट एक्स। 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर, है ना। 1000 kg नहीं, 1 kg, 1000 ग्राम्स हो जाएगा, ठीक है। और 2 molar NaOH का मतलब क्या है, इट इज 2 moles ऑफ NaOH इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मोल्स वोल्स दोनों में क्या है, सेम। अब मैं इसका फॉर्मूला अगर बनाऊं तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या बन जाता है बच्चे, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। मोलारिटी का बन जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ, चलो पूरा लिख देती हूँ, सॉल्यूशन इन लीटर्स, है ना। अब यहीं से देखो एक चीज, अभी आगे बहुत क्वेश्चंस में यूज होगा ये। नंबर ऑफ मोल्स का 3 फॉर्मूला तो तुमने पीछे पढ़े, चौथा फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चे बताओ, अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स इस इक्वेशन से निकालना हो क्या हो जाएगा। देखो हाँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ये तुम्हारा चौथा एंड मेन फॉर्मूला है फॉर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। आ जाओ इसको हम थोड़ा सा और भी ओपन अप कर सकते हैं। क्या हो गया, ये देखो नंबर ऑफ मोल्स को आप क्या लिख सकते हो, गिवन वेट अपॉन में मोलर मास, है ना। और एक काम करते हैं, ये मास ऑफ सॉल्वेंट को किस में ले लेते हैं, ग्राम्स में। दिस इज मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। तो ये आपका एक तरीके से पूरा फॉर्मूला बन गया, मतलब और इससे ज्यादा ओपन आप नहीं कर सकते ये फॉर्मूला। ऐसे मोलारिटी क्या हो गया बच्चे, ये भी हो जाएगा गिवन वेट अपॉन में मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बट इन मिलीलीटर, ठीक है। इनके इंटर कन्वर्जन्स कैसे करने हैं, क्या करने हैं, वो नेक्स्ट सभी सेशन में करेंगे, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, टेम्परेचर के साथ कौन चेंज होता है, मास चेंज होता है कि वॉल्यूम चेंज होता है। वॉल्यूम ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सी क्वांटिटी शुड चेंज विद टेम्परेचर। मोलारिटी हाँ, मोलारिटी शुड चेंज विद टेम्परेचर, है ना। मोलारिटी चेंज नहीं होगी। अच्छा और पीछे चले तो इधर देखो, ये या मोल फ्रैक्शन पे आओ, क्या मोल फ्रैक्शन चेंज होना चाहिए टेम्परेचर के साथ। क्योंकि नहीं। इसमें भी तो मास वाली टर्म्स ही है ना सारी। और पीछे चलते हैं, इधर देखो पीपीएम चेंज होना चाहिए, नहीं नहीं, नो है ना। और ये देखो
इनमें से बताओ। एम बाय वी और वी बाय वी परसेंटेज चेंज हो सकती है ये वी इनके। बाय हाँ वी और एम बाय वी चेंज हो सकता है। हाँ एम बाय एम चेंज नहीं होगा, ठीक है? ठीक है, ये कर लिया बच्चे, नोट कर लिया इसको ठीक से? ठीक इसको नोट कर लो बस। अभी हमारा सेशन वैसे तो ये भी खत्म होने वाला है, 10 मिनट्स के बाद सब ज्वाइन करना, ठीक है? अच्छा अभी तो 6:11 ही हुए हैं। तो चलो हमारे पास है ना 7 मिनट, क्वेश्चन कर लेते हैं कोई, आओ ट्राई करो। इफ 3 ग्राम्स ऑफ NaOH इज एडेड टू फॉर्म सॉल्यूशन, कैलकुलेट ए पार्ट मोलारिटी इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 750 ml, है ना, एंड बी पार्ट मोलारिटी इफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। चलो वॉल्यूम ऑफ वाटर सेम तो नहीं आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर ले लेते हैं 200 ग्राम। ट्राई करो, वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं बचे थे, इसको मास ऑफ वाटर करते हैं भाई। इफ मास ऑफ वाटर इज 200 ग्राम, वॉल्यूम भी होता तो ठीक है, हमें डेंसिटी चाहिए होती, मास हम तब भी निकाल सकते थे। ट्राई करो, ये सीधा यू हैव टू पुट इन द फॉर्मूला, यू विल गेट द आंसर। मासेस दे देते हैं तुमको, सोडियम का मास इज 23, ऑक्सीजन इज 16, हाइड्रोजन इज 1। करो, पीछे वाली स्लाइड दिखा, नोट कर लो डेटा। ठीक है, ये रहे दोनों फॉर्मूलाज। क्वेश्चन दिखाने थे। ये रहा। मैं पहले का 0.1 मोलर आंसर है। ठीक है, आ जाओ। कैसे निकाला मोलारिटी? गिवन वेट है 3 ग्राम, NaOH का मास मास कितना आ रहा है 40 इंटू 1000 अपॉन सीधा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 750। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाँ ये तो सीधा ही आ गया 0.1 मोलर, ठीक है, मोलालिटी गिवन वेट अपॉन मोलर मास, ये हो जाएगा 1000 बाय सीधा 200। -0.275 आ रहा किसका बच्चे? हाँ है मोलालिटी का। हाँ 0.375 m। अच्छा एक चीज और, ये ऊपर देखो, ये एम को आप एम भी लिख सकते हो, मोलर्स भी लिख सकते हो, मोल्स पर लीटर भी लिख सकते हो, ये यूनिट्स है, तरीका है। नीचे स्मॉल एम भी लिख सकते हो, मोलल्स भी लिख सकते हो, एंड मोल्स पर केजी भी लिख सकते हो।
बोलो बच्चे, हो गया क्लियर इतना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो ना ज्वाइन एट 6:30, विल कंटिन्यू विद द इंटर कन्वर्जन्स एंड ऑल। ठीक है, एक से दूसरा फॉर्मूला कैसे निकालना है और क्या करना है वो सब करेंगे। ओके। ओके।